कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था को लेकर निरंतर विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। सवाल उनके हिंदुत्व होने को लेकर भी पूछा जाता है, उनके मंदिर परिक्रमा पर भी बवाल मचता है और उनकी हालिया शिव भक्ति को लेकर भी उन पर तंज कसा जाता है। भगवा विरोधियों की दुखती रग उनकी मानसरोवर यात्रा को लेकर है, जिसे वे एक प्रपंच करार देना चाहते हैं। पर राहुल से जुड़े विश्वस्त सूत्र खुलासा करते हैं कि 2013 में केदारनाथ की भयंकर त्रासदी के बाद जब राहुल बाबा केदारनाथ के दर्शन को गए थे, तभी उन्होंने अपने करीबियों के समक्ष ये इच्छा जाहिर की थी कि वे मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। इसके बाद से ही गाहे बगाहे उनकी धार्मिक आस्थाएं परिलक्षित होने लगी थी। गांधी परिवार के करीबियों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शिव की अनन्य भक्तों में शुमार होती थी। उन्होंने अपने परिवार में ये परंपरा डाली थी कि परिवार का हर सदस्य सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करेगा। हर हिंदू पर्व त्योहार के मौके पर परिवार में पूजा पाठ जरूर होगी। श्रीमती गांधी ने तो बाकायदा अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कई व्यक्तियों को अधिकृत किया हुआ था। जब वो मंदिरों में दर्शन के लिए जाती थी तो खुले मन से दान दक्षिणा भी देती थी। इस दीपावली के मौके पर 10 जनपद में मां लक्ष्मी की पूजा हुई और सोनिया गांधी ने अपने हाथों से राहुल के माथे पर रोली और अक्षत लगाया। राहुल गांधी की धार्मिक आस्थाएं भी यदा कदा उफान मारने लगती हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कई मंदिरों में शीश नवाए। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल भाजपा पर ये कहते हुए हमला साध सकते हैं कि व्यक्तिगत धार्मिक आस्था और धर्म निरपेक्षता के बीच कोई टकराव नहीं है। धर्म का संबंध व्यक्ति से है। धर्म निरपेक्षता खतरे में तब पड़ती है जब धर्म व्यक्ति की परिधि से बाहर निकलकर सत्ता पाने या इसे बनाए रखने का हथियार बन जाता है। यानी ये एक नए राहुल का अभ्युदय है, जो ये समझ चुके हैं कि सिर्फ मुसलमानों को खुश करने से काम नहीं चलेगा, बहुसंख्यक हिंदू भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा और हिंदू मान्यताओं के अनुरूप ही पूजा अर्चना करनी होगी। जाकी रही भावना जैसी, हरी मुहूर्त देखिए तीन तैसी। NTI पॉकेट TV के लिए त्रिदीव रमन की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।